प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान दिए बिना विकास दर को बरकरार रखना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा दिलाई जानी चाहिए ताकि भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर वैश्विक स्तर पर अपना स्थान हासिल कर सकें। प्रधानमंत्री ने ये बात शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान की नारायणपुर में आधारशिला रखने के मौके पर कही। भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें अपने नौजवानों को सशक्त और स्किल्ड बनाना है। सच तो ये है कि ऐसा किए बगैर हम ज़्यादा समय तक अपनी अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तेज़ नहीं रख सकेंगे। हमारी यूपीए सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है, इसीलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। इस मौके पर उपस्थित यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोगों से सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाओं पर काम कर रही है। हमारी यूपीए सरकार समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अकलियतों और पिछड़ों पर खास ध्यान दे रही है। अकलियतों के लिए पहली बार एक मंत्रालय बनाया गया है। सचर कमेटी की सिफारिशों पर अमल हो रहा है। देश के ज्यादा अकलियत तादाद वाले 90 जिलों में विकास के खास पैकेज लागू किए गए हैं। सांप्रदायिक ताकतों और विचारधाराओं से हमें पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। यूपीए अध्यक्ष ने कहा कि सरकार जल्द ही महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए एक विधेयक ला रही है। 1,000 करोड़ से निर्भय फंड की स्थापना भी की जा रही है। इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाएगा जिससे हम अपनी बहनों और बेटियों की गरिमा, उनके मान सम्मान को कायम रख सके। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों से निपटने के लिए भी जल्दी ही कानून पारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने संस्थान की स्थापना में 26 करोड़ रुपए की मदद दी है। इस संस्थान के शुरू होने से मालदा और आसपास के इलाकों के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे। संस्थान में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातक, परास्नातक और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। संस्थान में खाद्य प्रौद्योगिकी और रेशम कीट पालन पर भी विशेष जोर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।